नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर तरफ गूंज रहा है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किसी गैंगस्टर के लिए इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग कभी नहीं देखी गई जैसी सोशल मीडिया पर अब नजर आती है। लोग कह रहे हैं कि भैया देशभक्त है, देश के लिए बात कर रहा है, सरफरोशी की तमन्ना का जिक्र कर रहा है, अब सनातन की बात उसके गैंग के लोग करते हैं तो अच्छा आदमी है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन फिर वही बात, गैंगस्टर का कोई धर्म नहीं होता, गैंगस्टर गैंगस्टर होता है और अपराध अपराध होता है, तो ऐसे में उसको डिफेंड करना या फिर उसके लिए बहस करना थोड़ा सा वाजिब नहीं लगता। लेकिन फिर वही बात, सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय रखते हैं और उस राय में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के उस सुरक्षा कवच की जो उसे लगातार बचा रहा है। अब देखिए ना, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन क्या बात, 14 महीने से वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, वहां से वो बाहर नहीं निकल रहा, किसी पेशी पर नहीं लाया जा रहा, किसी से मिलने उसको नहीं दिया जाता, कोई पुलिस वाला उससे नहीं मिलता, कोई वकील उससे नहीं मिलता, उसके अपने उससे नहीं मिलते, वो कहीं बाहर नहीं जाता, किसी भी पेशी पे उसको नहीं ले जाया जा रहा। क्या बात है, गुजरात की साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई को बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा? अच्छा, जो साबरमती सेंट्रल जेल है इसमें 10 ऐसी बैरक हैं जो बेहद हाई सिक्योरिटी में रखी जाती हैं और आप इसमें 10 बड़े खूंखार, आप कह लीजिए अपराधियों को, आतंकवादियों को आप रख सकते हैं, इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी उसकी मानी जाती है। इत्तेफाक की बात यह है कि उन 10 बैरकों में से सिर्फ एक बैरक में यह है 9 खाली। क्या वजह है इसके पीछे? इसके अलावा इतना बड़ा कांड हो गया मुंबई में, हत्या कर दी गई बाबा सिद्दीकी की। आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम था और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बात उठाई, ये सवाल उठाए कि जब इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या होगा, बिजनेसमैन का क्या होगा, कैसे बिजनेस चलेंगे? तो उगाही वाला पूरा नॉर्मल बिल्कुल एक तरीके से चल पड़ेगा जब आपको किसी चीज का डर ही नहीं होगा। खबर तो ये भी निकलकर सामने आई कि मुंबई पुलिस पूछताछ करना चाहती थी लेकिन जेल के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, उस लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करने की अनुमति नहीं मिली मुंबई पुलिस को, जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग खुले तौर पर जिम्मेदारी ले रहा है कि हाँ हमने मारा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो गया, अभी बाबा सिद्दीकी वाला मर्डर केस हो गया, खुलेआम सलमान को धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से अब भी दी जा रही है और तब भी दी जा रही थी, जबरदस्त इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का बाल बांका तक नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कौन सा सुरक्षा कवच है जो लॉरेंस बिश्नोई को बचा रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सीआरपीसी की एक धारा है 267, 267 कुछ अधिकार देती है लेकिन इसमें अगर आप एक पॉइंट और जोड़ देंगे, यानी अगर आप 268 की बात करेंगे, तो वो धारा लॉरेंस जैसे अपराधियों को इन सब चीजों से दूर रहने का अधिकार देती है। पहले आप ये जान लीजिए कि देश में कुल 1319 जेल है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो अकेले गुजरात में 16 जेल है, 16 में से 4 सेंट्रल जेल है, उनमें से एक साबरमती जेल है। लॉरेंस की बात करूं तो उस पर एक्सटॉर्शन, धमकी, हत्या की कोशिश, हत्या, किडनैपिंग के मामले दर्ज है। 79 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें से 40 मुकदमे कई राज्यों की अदालत में हैं, भैया दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। लेकिन आपने कभी सुना है, पिछले 14 महीने से, अगस्त 2023 में वो लाया गया था इस जेल में, गुजरात की साबरमती जेल में, 267 का उपयोग करके गुजरात पुलिस तो उसे यहां पर ले आई थी लेकिन 268 का इस्तेमाल करके अब उसे कहीं और नहीं जाने दिया जा रहा। तो ऐसे में जब इतने मुकदमे दर्ज है जिनमें से 40 तो कई राज्यों की अदालत में है, लॉरेंस बिश्नोई को कौन सा सुरक्षा कवच बचा रहा है, मेन सवाल यह है। आईपीसी की धाराओं के तहत सजा दिलवाने का तरीका क्या होगा, इस पर कई बार बात होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 267 जो सीआरपीसी की धारा है वो किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात लाने में कामयाब हुई थी। सेक्शन 267 क्या कहता है, जरा ये समझिए। सेक्शन 267 के तहत हर राज्य की पुलिस कैदी को पूछताछ के लिए अपने राज्य में ले जा सकती है। ये सेक्शन ये अधिकार भी देता है कि अगर मुजरिम ने किसी और राज्य में क्राइम किया है तो उसकी ट्रांजिट रिमांड भी ली जा सकती है। जिस राज्य में मुजरिम अभी बंद है और वो राज्य मना नहीं करेगा, ये पावर भी 267 देता है। सेक्शन 267 के तहत ही लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस दिल्ली तिहाड़ जेल से भटिंडा ले गई थी। हालांकि सीआरपीसी का सेक्शन 268 अब क्या कहता है, सुनिए।
सीआरपीसी का सेक्शन 268 कहता है कि ऐसी सारी चीजों की अनुमति आपको नहीं मिलती। दूसरे राज्य की पुलिस को जिस जेल में कैदी बंद है वही पूछताछ करने की अनुमति होती है, पुलिस उसे अपने राज्य में नहीं ले जा सकती। अब 268 यूं ही थोड़ी किसी भी कैदी पर लग जाएगा भाई, हजारों कैदी बंद है जेल की सलाखों के पीछे। लॉरेंस ही को ही क्यों बचाया जा रहा है या लॉरेंस पर ही 268 क्यों काम कर रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। किसी कैदी पर 268 लगाने का अधिकार या तो गृह मंत्रालय को होता है या फिर उस राज्य की सरकार को जहां पर वो बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में गृह मंत्रालय ने सेक्शन 268 अगले साल अगस्त तक के लिए लागू कर दिया है, यानी 2025 तक। किसी कैदी को सेक्शन 268 का सुरक्षा कवच मिलने के लिए तीन शर्तें जरूरी होती है। कौन कौन सी शर्तें? पहली ये कि उसने कोई अपराध किया हो और वो जेल में बंद हो। निश्चित तौर पर अगर जेल में बंद है तो अपराध तो पहले उसने किया ही होगा। दूसरी शर्त ये कहती है, कैदी को जेल से निकालकर किसी और राज्य की जेल में भेजना या उस राज्य की किसी दूसरी जेल में भेजना या राज्य के किसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाना या शहर की किसी भी अदालत में पेशी के लिए ले जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हो सकती है, इसीलिए उस कैदी को जेल से ना निकाला जाए। तीसरी शर्त यह कहती है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई वाले केस में मीडिया ट्रायल बहुत ज्यादा हो सकता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में भी कैदी को बाहर नहीं निकाला जाता। यानी तीसरी शर्त यह है कि अगर उस कैदी के केस में पब्लिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो या मीडिया ट्रायल चल रहा हो तो उसको जेल से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जाती। तो सोचिए, गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में पिछले 14 महीने से एक अलग बैरक में अकेला पड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। इतने संगीन मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, 79 में से 40 मुकदमे तो अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, लेकिन उसको कहीं पेशी पर नहीं ले जाया जाता। उसके अपने उससे नहीं मिल सकते, दोस्त यार नहीं मिल सकते, उसका परिवार नहीं मिल सकता, वो किसी से नहीं मिल सकता। हाँ, जो वकील उससे मिलते हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलते हैं। इतनी ज्यादा सुरक्षा कवच में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है तो सवाल तो उठेंगे, और इसीलिए सवाल उठ रही है कि अगर वो इतना खूंखार है, इतनी सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। और दूसरी बात, अगर आपने उसको रखा हुआ है तो बाकी मुकदमा का क्या होगा, क्यों उसको अदालत में पेश नहीं होने दिया जाता, क्या ये वाकई में वो सुरक्षा कवच है जो लॉरेंस बिश्नोई को बचा रहा है, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात देखिए, 267 यूज करके आप उसे ले आए और फिर 268, यानी आप जो अगर आप बीएनएस की बात करेंगे तो वो 303 हो गई है। आपको याद होगा ना, आईपीसी का नाम चेंज कर दिया गया था, बीएनएस हो गया था, उसके तहत 303, 268, 67, 303, अब ये नाम वाम बदल दिए गए हैं। बहरहाल, इस पर जाने से बेहतर आप ये समझिए कि कैसे सुरक्षा कवच के दायरे में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है, और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं गुजरात पुलिस पर भी और प्रशासन पर भी और जेल प्रशासन पर भी। बहरहाल, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।